रादौर क्षेत्र के गांव से एक विवाहिता घर से लापता हो गई। पति का आरोप है कि महिला अपने साथ सोने चांदी के जेवर सहित हजारों रुपए की नकदी भी ले गई। पुलिस ने शिकायत पर मामला दर्ज किया है। पंजाबी सभा की एक बैठक का आयोजन बुधवार को प्रधान अशोक गुंबर की अध्यक्षता में आयोजित किया गया। बैठक में समाज सेवी सुशील बत्रा व धनपत सैनी को सरकार की ओर से जिला लोक संपर्क एवं कष्ट निवारण समिति का सदस्य नियुक्त किए जाने पर उन्हें फूलमाला पहनाकर सम्मानित किया गया और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की गई। वहीं पिछले दिनों मंगतराम बटला को प्रशासन की ओर से प्रशंसा पत्र मिलने पर भी उन्हें सम्मानित किया गया। राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय चमरौड़ी में बुधवार को मिलन कार्यक्रम के तहत कक्षा छठी से बारहवीं तक के विद्यार्थियों को गीता सीनियर सेकेंडरी स्कूल चमरौड़ी का भ्रमण करवाया गया। अंग्रेजी प्रवक्ता पवन रोहिला की देखरेख में विद्यार्थियों ने विभिन्न प्रतियोगिताओं में भाग लिया। इस अवसर पर पवन रोहिला ने कहा कि इस तरह के कार्यक्रम बच्चों के विकास के लिए महत्वपूर्ण होते हैं, जिससे बच्चों का शारीरिक व मानसिक विकास होता है। ग्लोबल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी कनाचुरन में बी फार्मेसी के छात्रों के लिए फार्मेसी में करियर के अवसर विषय पर एक विशेष वार्ता का आयोजन किया गया। व्याख्यान फार्मास्यूटिकल रसायन विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर अजमेर सिंह द्वारा किया गया। इस मौके पर उन्होंने फार्मेसी के उभरते परिदृश्य पर प्रकाश डालने के साथ साथ विशेष कौशल की मांग और स्वास्थ्य सेवा में फार्मासिस्टों की बढ़ती भूमिका पर जोर दिया। समाज सेवी भीम सिंह राठी द्वारा क्षेत्र के विभिन्न गांवों में विशेष अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत युवाओं को नशे से दूर रहकर खेलों व अन्य क्षेत्रों में भाग लेने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। इसी कड़ी में बुधवार को समाज सेवी भीम सिंह राठी ने विधानसभा के गांव कुलपुर में युवा मंच के साथियों के साथ बैठक की। बैठक में राठी ने युवाओं को खाली समय में खेल व सामाजिक कार्य में भाग लेने की अपील की। इसके साथ ही उन्होंने युवाओं को बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बताए मार्ग पर चलकर शिक्षित व संगठित होने का संदेश दिया। राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय अलहार में मैजिक बस फाउंडेशन की ओर से चलाए जा रहे लाइफ स्किल पाठ्यक्रम का बुधवार को समापन हो गया। लाइफ स्किल के प्रभारी मेहरबान अली ने बताया कि रेड मैजिक बस फाउंडेशन द्वारा दो अध्यापकों विपिन काम्बोज व कमलजीत सिंह को 5 दिवसीय प्रशिक्षण दिया गया। उन्होंने कहा कि शिविर में बच्चों को खेल खेल में जीवन कौशल के महत्वपूर्ण सूत्र सिखाए गए। इसके साथ ही बातचीत में निपुणता, नेतृत्व के गुण आदि सिखाया गया। बार तारीफ हाँ ठीक है।